देवास जिले के ग्राम ओंकारा के आदिवासी युवक का इंदौर रेलवे स्टेशन से अपहरण होने की आशंका। युवक के परिजनों से बात करने वाला ऑडियो हो रहा है सोशल मीडिया पर वायरल। देवास में ओंकारा गांव का 34 वर्षीय आदिवासी युवक 4 दिन पहले खरीद करने के लिए इंदौर गया था, जो अभी तक घर वापस नहीं लौटा है। जिसके बाद युवक सुजान सिंह की परिवारजनों के साथ फोन पर हुई बातचीत का ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें युवक ने बताया कि मुझे रेलवे स्टेशन से गुंडों ने उठा लिया है। वो मुझसे 2 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं और पुलिस को बताने के लिए मना किया है। ऑडियो वायरल होने के बाद पूर्व विधायक कैलाश कुंडल युवक के घर पहुंचे, जहां उन्होंने परिजनों से घटना की जानकारी ली और जिला पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर जांच की मांग की। ये मांग कर रहे हैं, उन्होंने उनसे सब सारे सामान छुड़ा लिए, एटीएम कार्ड छुड़ा लिए और बैंक की पासबुक तक पूरा सामान छुड़ा लिए। उसके बावजूद भी उन्हें कैद कर लिए, उन्होंने उनके अंडर में कर लिए और उनसे 2 लाख रुपए की मांग कर रहे। बोले कि घर वालों के पास फोन लगाओ और 2 लाख रुपए डलवाओ आपके खाते में। तो सामान लेके आ रहा मार्केट से, तो रेलवे स्टेशन से चोरों ने गाड़ी में बिठा लिया और पैसा छुड़ा लिया और सामान। तो आप कहाँ हैं? तो 2 लाख अब कहीं मालूम 2 लाख रुपए मांग रहा है। 2 लाख रुपए मांग रहा है, इसके खाता में डलवा ले 2 लाख रुपए। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।